रहमान भाई, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके साथ खैरियत से होंगे। आपका मैथ्स टीचर कासम अलाई नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। गौर से सवाल पर जब तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, उस सवाल इंशाल्लाह उतने आसान होता जाएगा। हमने क्वेश्चन वन के पार्ट्स किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री हल करेंगे, जिसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9 दी गई है। हमें प्रूव करना है कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इनके अगर वैल्यू पुट करें तो आंसर आना चाहिए 9। इसको हम चेक करके वाकई ऐसा आंसर आता है या नहीं आता। आप लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने करना क्या है, यहाँ से देखें जो वेरिएबल की कीमतें हैं उनको दर्ज करना है। हम लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 9। अब ए की जगह ए, बी की जगह ए और सी की जगह आपने 9 दर्ज करना है। कैसे देखेंगे, माइनस ए, माइनस लिखा, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, जमा बी की मत आ जाएगी 1, जमा सी की मत कितनी आ जाएगी 9। आपने ए बी और सी तीनों वैल्यू दर्ज कर ली, ये दोनों जमा किए हैं, जमा हो जाएगी। ये क्या है माइनस, क्या होगी माइनस होगी, क्यों माइनस होगी, क्योंकि एक जिस नाम पे जमा होती हैं मुख्त नाम पे माइनस कर सकते हैं, माइनस का एक जमा का एक आपस में कैंसिल हो गए, आपका आंसर बचा 9। तो ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, आपने ये चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि लेफ्ट साइड वाल करें तो आपके पास राइट साइड के कुल आंसर आए। यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव, बस साबित हो गया इन वैल्यू को दर्ज करने से आंसर 9 ही आता है।